हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में कुकिंग विद शालिनी में। आज हम कोई खाने की वीडियो नहीं बनाएंगे, बल्कि आज हम बनाएंगे कुछ और अलग सी वीडियो आज बनाएंगे। तो आइए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। आज हम बनाएंगे नीम का साबुन, नीम सोप बनाएंगे। नीम बहुत ही फायदेमंद होती है जैसे कि सबको मालूम है, और बाजार से हम नीम का सोप खरीदते रहते हैं। इतने महंगे महंगे हम सोप बाजार से खरीदते हैं, हमें नहीं मालूम रहता है कि उसमें कितने केमिकल्स डाले हुए हैं। तो आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके जो है नीम का साबुन घर पर बनाएंगे, और जब आप घर पर बनाएंगे खुद अपने हाथों से बनाएंगे तो उसका मज़ा कुछ और ही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने नीम के पत्ते लिए हैं, इनको हमने अच्छे से धो लिया है। इन पत्तों को अब हम अलग अलग कर देंगे इस तरह से। ये पत्ते हमने सारे निकाल लेने हैं। नीम जो है तकरीबन लोगों के घरों के पास या घरों में लगी होती है, आसानी से मिल जाती है नीम, कोई दिक्कत नहीं है। आसपास पेड़ों पे आराम से आपको लगी हुई नज़र आ जाएगी। घर के पास लोगों ने लगाई होती है, अपने घरों में भी कईयों ने लगाई होती है। बहुत काम की चीज़ है, अगर आपने नहीं लगाई है तो नीम आप ज़रूर लगाएं घर पे, नीम के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। तो आज हम बड़े आसान से तरीके से जो है बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल कोई केमिकल का यूसेज नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया ये सोप बनकर तैयार होता है। हमें बाज़ार से, आप एक बार बनाएंगे तो आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत ही नहीं कभी भी पड़ेगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बिल्कुल सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, हम जो ऐसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, सब पत्तियां हमने जो है नीम की निकाल ली है। तकरीबन हमको एक कटोरी नीम की पत्तियां चाहिए, बड़ी वाली, एक कप जो होता है। आप एक मुट्ठी जो है भरकर ले लें। इस तरह से हमने डंडियों के साथ देखें तो 10-15 डंडियाँ जो है हमने इस तरीके की तोड़ ली हैं। इस तरीके की जो स्टेम है, हमने 10-15 स्टेम लेकर नीम के पत्ते जो है इसमें से निकाल लिए। तो यही अंदाज़ा रखें आप 10-15 स्टेम का। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें डाल देंगे ये नीम के पत्ते। तो लीजिए, सारे पत्ते हमने धो करके इसमें डाल दिए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल हल्का सा पानी हमने डालना है, तकरीबन 2 चम्मच, ताकि हम इसकी जो है पेस्ट अच्छे से बना लें। पानी डालेगा तो पेस्ट जो है आसानी से आराम से बन जाएगी। तो अच्छे से इसको जो है मिक्सी में, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं और अच्छी इसकी फाइन पेस्ट बना लीजिए। हमने इसको पीस लिया मिक्सी में, इस तरह से हमने पीसा है। आप देख सकते हैं जिस तरह चटनी बनाते हैं उस तरह से बनाया। बिल्कुल हमने जो है इसको बारीक भी नहीं किया और बिल्कुल जो है मोटा भी नहीं रखा है, हमने इस तरह से इसको हल्का दरदरा रखा है। तो ये देखिए, तो ये नीम के पेस्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हम अगला प्रोसीजर करते हैं, इसको साइड कर देंगे। और अब हम लेंगे सोप, ये हम लेंगे पेयर सोप, कोई भी जेल सोप आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई आपके पास सोप बेस हो तो वो यूज़ कर लें, क्योंकि वो इतनी ईजिली नहीं मिलता है। तो हम इससे भी बना सकते हैं। पेयर सोप थे, ये जेल सोप है, सभी के घरों में अवेलेबल रहता है, तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हम लेंगे और इसके हम कोई भी ग्रेटर ले लेंगे, इसको ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। बड़े आराम से ये जो है ग्रेट हो जाता है, आप देख सकते हैं बड़े आराम से इस तरह से ग्रेट हो जाता है, क्योंकि ये जेल सोप है और जेल सोप जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से हम जो है इसको ग्रेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ग्रेट कर। ये देखें कितनी आसानी से जो है ये ग्रेट हो रहा है इस तरह से। तो हम इस तरह से सारा जो है अपना पेयर सोप ये ग्रेट कर लेते हैं। लीजिए, हमने सारा ये ग्रेट कर लिया। तो ये ग्रेटेड जेल सोप को हम डाल देंगे। इसको हमने डायरेक्ट जो है गैस पे नहीं रखना है, इसको हमने डबल बॉयलर से जो है इसको मेल्ट करेंगे। अगर हम डायरेक्ट पैन पे रख दें, गैस पे रख देंगे इसको, तो ये हमारा जो है नीचे लगने लगेगा और ख़राब सा हो जाएगा। तो इसको अब हम रखते हैं अपने डबल बॉयलर में। तो हम एक पैन लेंगे, कोई भी आप पैन ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप ले लें, पतीला ले लें। तो इस तरह से उसको आधा भर लेंगे और इसको पानी को बॉयल होने देंगे। जितनी देर हमारा पानी बॉईल हो रहा है, हम उतनी देर अपने नीम के पत्तों के अंदर बाकी का चीज़ मिक्स कर लेते हैं। तो ये नीम की जो हमने पेस्ट बनाई है, इसमें डालेंगे हम विटामिन ई का कैप्सूल। ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, कोई भी केमिस्ट शॉप में आसानी से मिल जाते हैं। तो एक हम कैप्सूल लेंगे और एक इसमें कैप्सूल जो है डाल देंगे। देखिए, इस तरह से हम विटामिन ई का कैप्सूल इसमें डाल देंगे सारा। इससे जो है फेस में बहुत ही ग्लो आती है, बहुत ही चमक के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, इसको हमने कर लिया मिक्स। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो आप देख सकते हैं पानी जो है हमारा बॉयल आने वाला है। अब ये पैन जो है इस तरह से इसके ऊपर रख देते हैं, इससे जो है ये मेल्ट होने लगेगा। मीडियम फ्लेम हम रखेंगे और हल्का हल्का इसको हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, अभी हल्का हल्का ये मेल्ट होता रहेगा तो उसको हिलाते रहेंगे। बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाता है। अब दूसरा तरीका है माइक्रोवेव में भी इसको आप कर सकते हैं मेल्ट, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये थोड़ी बेटर है। पानी उतना ही डालें कि पानी आपको ऊपर न चाल लगे, इसीलिए इसको हाफ ही पैन को भरें पानी से।
तो इसको ऊपर नीचे करेंगे, बहुत ही जल्दी जो है ये मेल्ट होने लगता है। ये देखिए आप, ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसी तरह हिलाते हैं इसको, ये देखिए ये मेल्ट भी बहुत जल्दी होता है और जमने भी बहुत जल्दी लगता है ये। जैसे ही हम इसको निकालेंगे बाहर और ये ठंडा होने लगेगा तो फटाफट से जो है ये जमने भी लगता है। इसीलिए हमने जो नीम की पेस्ट बनाई है वो भी हम इसी टाइम ही जो है इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें अपनी ये नीम की पेस्ट और वो जेल डाल देते हैं इसमें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं ये अच्छे से मेल्ट होने लग गई है। कलर भी इसका बहुत ही बढ़िया आ गया। अब बिल्कुल प्योर चीज़ बनी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक हमारा ये सोप बनकर तैयार होगा। जैसे ही ये मेल्ट हो जाए हमने इसको अपने मोल्ड में शिफ्ट कर लेना है, नहीं तो ये जल्दी से दोबारा से जमने लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी मेल्ट हो गया, ये हल्का सा रह गया, इसको भी कर लेते हैं। तो मोल्ड को हम पहले से ही जो है रेडी रखेंगे। मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड है, मैंने सिलिकॉन मोल्ड को रेडी रखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो लीजिए सारा हमारा सोप जो है मेल्ट हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए इस तरह से। तो गैस को कर देंगे बंद और इसको फटाफट अपने मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई सोप के पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए, ध्यान से इसको चेक कर लें। मोल्ड मेरे पास पड़े हैं, ये सोप मोल्ड ही है, तो इसमें हम डाल लेंगे अपना। आपके पास मोल्ड ना हो तो आप कोई भी आइसक्रीम कप में इसको डाल सकते हैं, किसी भी कोई भी छोटे आपके पास कटोरी पड़ी हो या मोल्ड पड़ा हो तो आप उसमें इसको जो है इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये हल्का सा ठंडा हो जाता है तो हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में। तो ये आधे घंटे तक जमकर रेडी हो जाएगा और हमारा बिल्कुल बढ़िया सा ऑर्गेनिक सोप बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। तो लीजिए आधा घंटा हो चुका है और साबुन हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, इसको निकाल लेंगे। बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कैसे निकल जाते हैं, ये देखिए है ना बढ़िया सोप। इसी तरह से हमने सारे सोप निकाल कर रेडी कर लेने हैं, ये देखिए कितने बढ़िया सोप बने। एक बार आप ये बनाएंगे तो दोबारा आप बाजार से लेंगे ही नहीं सोप, ये गारंटी है इस बात की। ये देखिए, तो ये देखिए, तो ये हमारे होममेड ऑर्गेनिक सोप बनकर तैयार। इसके बहुत ही फायदे हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल है, बहुत ही इसके फायदे होते हैं इस सोप के। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने इसको सिर्फ 5 मिनट से भी कम टाइम में बनाकर रेडी कर दिया। जितने भी आपके शरीर में एक्ने होंगे, मार्क्स होंगे, किसी भी प्रकार के धब्बे होंगे, वो सब जो है इस साबुन के यूज़ करने से आपके निकल जाएंगे, ये इस बात की गारंटी है। बहुत ही जो है नीम फायदेमंद होती है। तो आप इसी प्रकार से 5 मिनट में बनने वाला ये साबुन है और बिल्कुल ही 3 इंग्रेडिएंट्स हमने बनाकर तैयार किया है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और बाजार से साबुन हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे जब एक बार ये बना लेंगे तो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत साफ सुथरे बढ़िया तरीके से हमारा ये सोप बनकर रेडी हुआ है। तो आप ज़रूर ट्राई करें मेरी ये तरीका सोप बनाने का। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।